देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अपॉन x माइनस 2, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 का थर्ड क्वेश्चन है. ओके, इससे पहले हमने दो क्वेश्चन कर चुके हैं. अभी तीसरा क्वेश्चन है 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 85. ओके, और 31 अपॉन x माइनस 2 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89. अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पुट करते हैं. यहाँ पे क्या करते हैं, पुट 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू a, इसके जगह पर हम लेते हैं a, और 1 अपॉन y प्लस 3 इसके जगह पे लेते हैं b. क्या लेते हैं इसके यहाँ पे, b. अब इसके जगह b लेते हैं. अब a भी हमने अगर कंसीडर कर दिए तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम बच्चों, यहाँ से पुटिंग कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, पुटिंग. पुटिंग के टाइम पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे 27 a प्लस 31 बी इक्वल टू 85. इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 27 ए प्लस 31 बी इक्वल टू 85. इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3. इसको 3 क्यों दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये 1 है हमारी और ये 2 है. ये क्या है, 1 और 2. अब नेक्स्ट देखिए, अगर हमने यहाँ देखिए तो ये था 31 ए प्लस 27 बी इक्वल टू 89. ये होगी इक्वेशन नंबर 4. अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसे एक बार इसका ऑब्जर्व करें आपने कि इसके डायगोनल एलिमेंट एक जैसे. देखिए यहाँ 27, यहाँ भी 27, यहाँ 31, यहाँ भी 31. ओके, तो यहाँ पे एक बार इसका प्लस करते, क्या करते हैं इसका प्लस, ये 58 ए, इसको 58 बी, और यहाँ पे जो है 174. देखिए 174. इक्वेशन क्या बन जा रही बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन कैसी फॉर्म हो रही है, यहाँ पे 58 बी इक्वल टू 174. यहाँ से 58 कॉमन निकलता, 58 क्या निकलता है, ऐसे कॉमन बाहर निकाल लो इसको. तो इक्वेशन क्या बनेंगे आपके पास, 58 बाहर, क्या बचेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 174. दैट मीन्स यहाँ से 58 से डिवाइड करो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 174 डिवाइड बाई 58. तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 3. देखिए यहाँ पे कैसा होता है, 3 से डिवाइड होता है. यहाँ पे 58 3 174, मतलब ये आ रहा 3. क्या आ रहा, 3. इक्वेशन नंबर 4 और 5. ओके, अब हमने यहाँ पे एक बार प्लस कर दिए, अब इनके एक बार माइनस करते. क्या करते हैं इनकी माइनस, 27 ए प्लस 31 बी इक्वल टू 85. ओके, 31 ए प्लस 27 बी इक्वल टू 89. अब देखिए इसका माइनस किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे. ओके, अब यहाँ छोटे में से बड़ा जा रहा है, 27 में से 31, तो मतलब माइनस के 4a, ये प्लस के 4b, और ये कितना, माइनस फोर. अब ये इक्वेशन को फॉर्म करना है हमारे को, तो क्या करते हैं हम यहाँ से 4 बाहर निकालते हैं. तो क्या बचते हैं यहाँ पे, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर, मतलब यहाँ से 4 से डिवाइड चल जाएंगे इसको, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस फोर बाय 4 बाय 4, मतलब यहाँ से 4 गेट कैंसल, मतलब माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1. ये इक्वेशन हमारे पास बन गई. अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 भी नाम दे सकते हैं हम इसको, क्या नाम दे सकते हैं, 6. अब हमारे पास जो इक्वेशन है बेटे, पहले 3 है बच्चों, ए प्लस बी इक्वल टू 3, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1, दोनों को लिख लेते हैं एक साथ, ए प्लस बी इक्वल टू 3 और माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1. देखिए प्लस माइनस कैंसल, बी और बी 2b, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में से अगर 1 गया तो 2, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बाय 2, दैट मीन्स b इक्वल टू 1. अब देखिए b इज इक्वल टू 1 मिल गया. अब इस तरह से आप a भी मालूम कर सकते हैं. a किस तरह से मालूम करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 3, a प्लस बी इक्वल टू 3. अब हमारे पास b कितना है, 1 है, तो 1 इक्वल टू 3, दैट मीन्स a इक्वल टू 3 माइनस 1, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो a इज इक्वल टू 2. अब a इज इक्वल टू 2 मिला, b इज इक्वल टू 1, लेकिन हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन काय में बच्चों, x और y के फॉर्म में, काय के, x और y के. अगर ये आपके समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए हमारे पास क्या था, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू a. अब a के जगह पे कितना रख दिए, 2, मतलब 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2. ओके, इसको इक्वेशन बनाते हैं हम. अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 के तरफ लेके चल जाओ. तो यहाँ से हम सॉल्व किस तरह से कर सकते, 2 टाइम x माइनस 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4. ओके,
माइनस फोर इधर आ गया तो प्लस फोर, मतलब क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर इज इक्वल टू टू एक्स, इक्वल टू टू एक्स, दैट मीन्स फाइव इक्वल टू टू एक्स, फाइव इक्वल टू टू एक्स। अब फाइव इक्वल टू टू एक्स हो गया तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन टू, ये होगा x, फाइव अपॉन टू, ये पहला वैल्यू मिल गया हमको फाइव बाई टू। अब y के लिए क्या करते हैं, वन अपॉन y प्लस थ्री इक्वल टू b, इक्वल टू b, b कितना बच्चों, वन अपॉन y प्लस थ्री, बी कितना हमारे पास वन, बी इज इक्वल टू कितना है वन, उसको उधर लेकर चल जाओ मल्टीप्लाई में, इधर बचा वन वाई प्लस थ्री, वाई प्लस थ्री, दैट मीन्स वन इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, प्लस थ्री इधर आके माइनस थ्री, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस थ्री, वन माइनस के टू, ये आ गया हमारे पास वाई। अब सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम, पहले एक्स मतलब फाइव बाय टू और बाद में वाई मतलब माइनस टू, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन बाय थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री बाय फोर, वन अपॉन टू टाइम एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन टू टाइम थ्री एक्स माइनस वाई। अब यहाँ देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बात दिखेंगी कि ये जो है ये एक जैसा दिखाई दे रहा आपको, ये हिस्सा मतलब कौन था, हमको पुट करना पड़ेगा, पुट क्या करना पड़ेगा, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए, मतलब ये हमने क्या पुट किया है इसको ए, और वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इसको पुट किया हमने बी, क्या पुट किया इसको बी, ओके ये हमारा ए हो गया, ये कितना हो गया हमारा ए, ओके और ये क्या हो गया बी। जहाँ जहाँ भी आपको वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई दिखाई देगा तो वहाँ क्या लेंगे आप ए, और जहाँ जहाँ आपको थ्री एक्स माइनस वाई दिखाई देंगे वहाँ क्या लेंगे आप बी, ओके। हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या लेंगे ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर, ओके। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं फोर से मल्टीप्लाई करते, तो फोर से करें तो क्या हो जाएगा फोर ए, ये क्या हो जाएगा फोर बी इक्वल टू थ्री, इक्वल टू थ्री, इसको नाम देते हैं हम, ये वन थी ये टू थी तो ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी थ्री, ओके ये क्या होगी थ्री। अब सेम इस पर हम वर्क करते, देखिए ये काय पे किए थे वन पे, वन पे हमने वर्क करके क्या निकाले थ्री, अब हम टू पर वर्क कर रहे हैं, काय पे टू पर, तो जब हम टू पर वर्क करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बाय टू में है, ये इतने हिस्से को हमने क्या लिया ए, तो ये हो जाएगा ए बाय टू, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाय टू, बी बाय टू, और ये कितना है माइनस वन बाय एट, माइनस वन बाय एट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एट से मल्टीप्लाई करो क्योंकि अगर हम टू से करेंगे तो सिर्फ टू निकलेगा या फोर और रह जाएगा, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे 8 से, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में से 8 कट करना है, ये 1 बाई 8 में का 8 निकल जाना, क्योंकि 8 से करें तो 2 भी निकल जाता है और ये 2 भी कट जाता है, मतलब यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएंगे 8 इंटू ए बाय टू माइनस 8 इंटू बी बाय टू माइनस 1 बाय 8 इंटू 8, ओके। देखिए 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, 2 क्या 2 चौक 8, फिर वही 2 चौक 8, और ये 8 और 8 कैंसिल। अब बचा क्या बच्चों हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 4a, 4a माइनस 4b, 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1, इक्वल टू माइनस 1, ओके। अब देखिए यहाँ से ऑब्जर्व करें 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1, और ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास जो है 3 है, 3 क्या है हमारे पास 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, और ये क्या है 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1, ओके। इसको हम लिख लेते एक साथ, प्लस 4 माइनस 4b प्लस 4b कैंसल, ये हो जाता 8b, कितना होता 8a, सॉरी 8a इक्वल टू 3 में से अगर 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बाय 8, 2 बाय 8। अब a इज इक्वल टू 2 बाय 8 हो गया तो कैंसल, और 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाय 4, a आ गया हमारे पास 1 बाय 4, ओके। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास, ये वैल्यू हम कहीं भी रख सकते हैं, जैसे देखिए 4 इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 बाय 4, 1 बाय 4, ओके। अब यहाँ हमारे पास क्या है प्लस 4b, 4b यहाँ रख रहे हैं, इसकी वैल्यू हम पुट अप यहाँ कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन 4a, मतलब 4 टाइम 1 बाय 4 प्लस 4b इक्वल टू 3, 4 4 गेट कैंसल, दैट मीन्स 1 प्लस 4b इक्वल टू 3, ओके। अब यहाँ से इधर जाके माइनस हो जाएगा 4b इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, दैट मीन्स 4b इक्वल टू 2, 4b इक्वल टू 2।
अब देखिए 4b इक्वल टू 2 हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, ओके। अब ये इक्वेशन हमारे पास बच्चों 4b इक्वल टू 2 है, 4b इक्वल टू 2, दैट मीन्स b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4, b इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 2 × 2, 2 × 4, मतलब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2, b की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2, ओके। ये हो गया a और ये हो गया b, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है ए बी में नहीं है बच्चों, हमको सॉल्व काय में करना पड़ेगा एक्स और वाई में। तो आई होप आपके इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हमारे पास ए इज इक्वल टू 1/4 है, हमारे पास कौन सी कीमत है कि 1/4 और कौन सी कीमत बी की 1/4, विच वैल्यू फॉर ए 1/4, विच वैल्यू फॉर बी 1/2, पुट दिस वैल्यू इन दी ओरिजिनल इक्वेशन ओरिजिनल फॉर्म, ये ओरिजिनल इसमें हम रख देते हैं हालांकि ए बी के फॉर्म में, ओके। तो हमारे पास क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू कितना है 1/4, ओके। अब यहाँ इसको सॉल्व करो, 4 इधर आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, ओके। दैट मीन्स 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 5, ओके। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट ऑब्जर्व करें तो b की वैल्यू क्या थी 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ पर ये इतना होने के बाद जो है तो हमारे पास b की वैल्यू हम पुट अप करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू b कितना है हमारे पास 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इधर लेके चल जाओ और ये चेंज कर देंगे 3x माइनस वाई, इसका मतलब इक्वेशन क्या बन रही 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये होगी इक्वेशन नंबर 6, ओके। अब देखिए यहाँ से दोनों इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करते 5 और 6 को, तो ये 5 है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और ये 6 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ऑब्जर्व कीजिए प्लस माइनस कैंसिल, हम डायरेक्ट कैंसिल करते रेडीमेड, हमको यहाँ पे मिला प्लस और माइनस कैंसिल, ये 6x हो जाएगा कितना 6x और ये कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/6 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1x इक्वल टू 1, ओके। पहला सॉल्यूशन मिल गया हमको 1, ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब हम कोई भी एक इक्वेशन ले सकते इसके अंदर से, फॉर एग्जांपल हमने इसी इक्वेशन ली 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, हमने पांचवें नंबर की इक्वेशन ली, ओके यहाँ 1 रख दो, ये 1, ओके प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। अब गौर कीजिए यहाँ से कि 3 × 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, ये प्लस के 3 जब उधर जाता तो क्या हो जाता माइनस के 3, दैट मीन्स वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1। तो हमारा सॉल्यूशन में y कितना आया 1 और x कितना है 1, दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 1। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 1, 1। ये टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है, ये हार्ड क्वेश्चन है, ये हॉट क्वेश्चन में इसका शुमार करते हैं, लेकिन हमने इसको बहुत बेसिक इसमें सॉल्व किए। अगर आप दूसरे सॉल्यूशन ऑब्जर्व करेंगे तो आपको टफ जाएगा, ज़रा सा ऑब्जर्वेशन आप करेंगे तो दूसरे सॉल्यूशन हार्ड करा इसमें, हमने इसको बेसिक मेथड जो हमारा पूरे क्वेश्चन करें उसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी करे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।